स्टूडेंट्स, हम इस फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे मल्टीपल्स। ये लिखा हुआ है राइट फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ थ्री, यानी कि हमने थ्री के मल्टीपल्स लिखने हैं। ये मल्टीपल्स का तो आपको पता है, मल्टीपल्स किसे कहते हैं? टेबल को। हम थ्री का टेबल लिखेंगे कहाँ तक? फाइव तक। जब थ्री का टेबल हम लिखेंगे इन ब्लैंक्स में, ये थ्री का टेबल लिखा है मैंने फाइव तक, ब्लैंक्स भी फिल हो गई और ये मल्टीपल्स भी हैं थ्री के फर्स्ट फाइव, क्योंकि हमने फाइव लिखने थे, फाइव तक टेबल लिखा है। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ये सेकंड पार्ट हम करेंगे द फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ फाइव इक्वल। इसमें हमने फाइव के मल्टीपल्स लिखने हैं, यानी कि फाइव का टेबल लिखेंगे कहाँ तक? फाइव तक। ये भी हम इन ब्लैंक्स में लिखेंगे जी, इन ब्लैंक्स में लिख दिए हैं मल्टीपल्स ऑफ फाइव, यानी कि फाइव का टेबल लिख दिया फाइव तक। इसी तरह हम थर्ड पार्ट करेंगे जी। अब ये थर्ड पार्ट में देखें फिल इन द ब्लैंक्स, हम ब्लैंक्स फिल करेंगे। द फर्स्ट सिक्स मल्टीपल्स ऑफ नाइन जी, इसमें नाइन के मल्टीपल्स आगे लिखे हुए हैं, कहाँ तक? सिक्स तक। तो हम देखेंगे ब्लैंक में क्या लिखना है हमने जी। पहले देखिए नाइन वन जर नाइन लिखा हुआ है, फिर नाइन टू जर एटीन, नाइन थ्री जर 27 आना है। इस ब्लैंक में हम 27 लिखेंगे, इस ब्लैंक में 27 लिखे। अब आगे नेक्स्ट ब्लैंक देखिए नाइन फोर जर 36, यहाँ हम 36 लिखेंगे। उसके आगे नाइन फाइव जर 45, तो फिर आगे नाइन सिक्स जर 54। ये नाइन के मल्टीपल्स कंप्लीट हो गए कहाँ तक? सिक्स तक। ये फर्स्ट सिक्स मल्टीपल यहाँ तक ही हैं 54 तक। इसी तरह ये भी पार्ट कंप्लीट हुआ, हम करेंगे लास्ट पार्ट। जब लास्ट पार्ट में देखें फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भी ब्लैंक्स फिल करेंगे। द फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ 12 आर, आगे 12 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, कितने? फर्स्ट फाइव। ये आगे देखें ये फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, तो यहाँ फर्स्ट मल्टीपल आएगा 12 का, यानी कि 12 वन जर 12, आगे 12 टू जर 24 लिखा हुआ है। आगे थर्ड ब्लैंक में 12 थ्री जर 36, इस ब्लैंक में 36 लिखेंगे। फिर आगे 12 फोर जर 48 लिखा हुआ है, तो 12 फाइव जर 60, इस ब्लैंक में 60 लिखेंगे। इसी तरह ये 12 के मल्टीपल्स पूरे हो गए और ब्लैंक्स भी फिल हो गई। अल्लाह हाफिज़।